माझागर फाउंडेशन पूना की तरफ से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। माझागर फाउंडेशन की स्थापना मैंने अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ मिलकर की और यहाँ हम ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो बहुत दर्द भरा जीवन सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, पब्लिक प्लेसेस में, बस स्टैंड में करते हैं। हम इनको अपनी एम्बुलेंस से रेस्क्यू कर निकटतम पुलिस स्टेशन ले जा के जाते हैं और वहाँ सारा पेपर वर्क होने के बाद, पुलिस का सिग्नेचर और स्टैंप लगने के बाद हम यहाँ इनको अपने आश्रम में लेके आते हैं जहाँ इनको स्वच्छ और कंफर्टेबल रहने की जगह, स्वच्छ, साफ, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन, सारी दवाइयाँ, रिक्वायर्ड सर्जरीज और राउंड द क्लॉक केयर विद लव एंड डिग्निटी, प्यार और गरिमा के साथ इनकी सेवा की जाती है। ऐसे ही एक प्रभु जी हमारे साथ बैठे हैं जिनकी उम्र करीब 62 साल है और ये 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। 46 वर्ष तक ये इधर उधर भटकते रहे। उनके सौतेली माँ और सौतेले भाई थे और सौतेली माँ से इनका बिल्कुल मिलान नहीं हुआ, ताकि उस कारण से इन्होंने घर छोड़ा और आज ये आश्रम में इनकी सेवा हो रही है और इनकी स्थिति जो है वो मानसिक रूप से काफ़ी गंभीर हैं। इनको तंबाकू की बहुत ज़्यादा लत थी। आश्रम में आने के बाद इनकी तंबाकू की आदत को बहुत मुश्किल से छुड़ाया जा सका। अब इनकी उम्र देखते हुए और ये डॉक्टरों का कहना है कि इनका मानसिक रोग का इलाज वर्षों तक नहीं हुआ, उसके कारण से वो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पर इनका पूरी तरह से मानसिक रोग ठीक होने की संभावना नहीं है और इनके सिम्टम्स को दवाई के सहारे कंट्रोल किया जा सकता है। तो माझा घर इनका परिवार बन के, इनको परिवार के सदस्य के रूप में पूरी ज़िंदगी इनकी देखभाल करेगा, यह संकल्प माझा घर फाउंडेशन लेता है। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सेवा का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया जा सके और ऐसे लाचार लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे जो हमारे वीडियो आगे आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन्हें देखकर आपके बदन में, आपके शरीर में हैप्पी और गुड इमोशंस के हार्मोन का आपको लाभ मिले। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अपनी विचार कमेंट करके बताएं। एक बार फिर से माझागर फाउंडेशन पुणे की तरफ से आप सभी को प्रणाम।